हेलो दोस्तों, मेरे पास ये आईबॉल का कॉम्बुक लैपटॉप है। इसमें विंडोज ओपन नहीं हो रही है, इस टाइप का एरर आ रहा है रिकवरी मोड। और इसमें जो विंडोज है, हम उसको रिस्टार्ट भी कर रहे हैं तब भी विंडोज ओपन नहीं हो रही है। इसमें जो विंडोज है वो करप्ट हो गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि इसमें आप कॉम्बुक के अंदर आप कैसे विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 10। तो दोस्तों, अपने किसी दूसरे पीसी या लैपटॉप में आपको गूगल पर सर्च करना है आईबॉल डाउनलोड, और फर्स्ट ऑप्शन पे आप देखिए आपको आईबॉल की साइट मिलेगी, इसके में ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ इसकी साइट्स खुलेगी। मेरा नेट थोड़ा स्लो है अभी, तो थोड़ा सा फाइल ऊपर जो ओपन नहीं हो रहे, लेकिन आप स्क्रॉल करेंगे, आप डाउन जाएंगे, यहाँ पर दिखेगा आपको डाउनलोड। ये देखिए सपोर्ट के बीच में यहाँ पर दिखेगा आपको डाउनलोड्स, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यह कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी हमें डालना है। जैसे हमें लैपटॉप है तो हमें लैपटॉप सेलेक्ट करना है हमें। और ये देखिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट पूछ रहा है कि अब हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है। तो हमारे पास जो है वो फ्लिप X5 है। तो इसमें देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ इस पर हम क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमें करना है। तो विंडो 10 प्रो और विंडो 10 होम दो ऑप्शन है यहाँ पर, तो हम विंडो 10 प्रो कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ फिर ओपन हो जाएगा। इसमें ध्यान रहे, इसमें हमें जो जीमेल आईडी है वो साइन इन होना चाहिए। तो यहाँ इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए तीन बिंदी ऑप्शन दिखता है आपको, तो इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ये कुछ मैसेज हो करेगा। यहाँ ये बोल रहा है कि आपके अगर सिस्टम में कोई एंटीवायरस है तो वो उसको स्कैन नहीं कर पाएगा इस चीज़ को। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाउनलोड एनीवेयर पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा सॉफ्टवेयर हमारे डाउनलोड हो रहा है, आपकी नेट की स्पीड से डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में डाउनलोड होगा। ये देखिए मेरी स्पीड अभी थोड़ी सी स्लो आ रही कभी, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जब डाउनलोड होगा फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। तो हम इसको ओपन करते हैं फाइल को, और देखिए अब ये इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि रेयर फाइल है ये। तो हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, यहाँ पर क्लिक या ओके। देखिए एक फोल्डर बन गया यहाँ पर, जो ये सॉफ्टवेयर एक फोल्डर में आ गया। ये देखिए इसकी जो फाइलें हैं इसमें हमें कुछ कोई डिलीट नहीं करना है। और इसमें आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, तो पेन ड्राइव आपको किस टाइप से फॉर्मेट करनी है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यह जो फाइल सिस्टम है हमें FAT32 रखना है। और यहाँ में जो नाम है हमें नाम यहाँ लिखना है WinPE। ये देखिए WINPE लिखना है हमें कैप्स लॉक ऑन करके। और यहाँ में करना है डिफ़ॉल्ट, उसका साइज है। और यहाँ कर देंगे स्टार्ट और यहाँ ओके। तो ये जो हमारी जो पेन ड्राइव है वो हमारी रेडी टू यूज हो जाएगी। इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए हमारी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई, जिस फॉर्मेट से जो आईबॉल हमारा कॉम्बुक है वो सपोर्ट करेगा। ये देखिए आप हमारी पेन ड्राइव रेडी है। तो जो हमने जो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किया था, जो मेरा फोल्डर बना था, उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी इसमें मैटर है, जो भी इसमें फाइलें हैं, उसे हमें ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसमें जो हमारी पेन ड्राइव थी उसमें हमें पेस्ट कर देना है इसको। अभी पेस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी आपकी लैपटॉप की स्पीड है उससे स्पीड थोड़ी यहाँ पर कम आपको दिखेगी कॉपी होने की स्पीड। तो थोड़ा यहाँ पर टाइम ले सकता है 15-20 मिनट का। इसको आप कॉपी होने दें, कॉपी होने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर जो फाइलें थी वो कॉपी हो गई पेन ड्राइव में। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और इसको सेफली रिमूव कर लेंगे यहाँ से। देखिए हमने यहाँ से इसको सेफली एग्जिट कर दिया, मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से सेफली। इससे क्या कि आपको जो पेन ड्राइव का मैटर होता है वो करप्ट नहीं होता है। देखिए हमारी पेन ड्राइव रेडी टू यूज है।
बता दूं आपको मैं कि इस लैपटॉप में हमारा जो कीबोर्ड है वो वर्क नहीं कर रहा अभी, तो हमने अभी USB कीबोर्ड लगा रखा है और इसमें पेंडल यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। अभी करना क्या आपको, इसमें आपको ऑन करते ही F7 प्रेस करना है। तो मैंने देखो F7 प्रेस किया था तो इस टाइप से कुछ मैसेज आता है, मैं आपको देखो दोबारा कर दिखाता हूँ। इसको हम करेंगे रिस्टार्ट पहले, कंट्रोल डिलीट मैंने प्रेस किया और ये रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होती है मुझे दबाना है मुझे F7, इसमें जो बूट की होती है F7 है, तो F7 हम प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये बूट मेनू ओपन हो गया है, तो हमें जो हमारी पेन ड्राइव है किंगस्टन की है, तो हम यहाँ पर इसको हम जो पार्टीशन मंच शो कर रहा है हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ सेकंड टाइम लेगा। ये देखिए जो हमारी जो पेन ड्राइव में हमारी जो विंडो जो इंस्टॉल हुई थी वो इंस्टॉलेशन इसका चालू हो गया है। ये देखिए इंस्टॉलेशन इसका यहाँ चालू हो गया। आपको इसमें कुछ नहीं करना, अब ये ऑटोमेटिक अपने आप जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, जो भी इसको बेसिक जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारे अपने खुद ब खुद ये इंस्टॉल करेगा। आपको बस वेट करना है, यहाँ पर भी आपको 15-20 मिनट से आधा घंटा टाइम लग सकता है आपको, तो यहाँ आपको ओनली वेट करना है बस। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको एग्जिट और एंटर, ये करते ही सिस्टम हो जाएगा रिस्टार्ट। कुछ सेकंड वेट करेंगे हम, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद ये विंडोज हमारी यहाँ लोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर भी हमें कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंट्री और लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर तो यहाँ तो ऑलरेडी वो मेंशन है, हमें कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ करना है हमें एक्सेप्ट, इनके लाइसेंस टर्म्स वगैरह हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ हमें अगर वाईफाई पे कनेक्ट करना है तो उसको पासवर्ड करना है, नहीं तो स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ हमें करना है कस्टमाइज़ करना है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट टाइम और लगेगा आपको। यहाँ पर टाइप करना है PC नेम जो भी आप रखना चाहते हो, मैंने कर दिया ABC, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए नहीं चाहिए, जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं नोट ना हूँ। और देखिए अभी ये विंडोज इंस्टॉलेशन हो गई है, यहाँ पर इसका फाइनल स्टेप चल रहा है। मैं वीडियो को फिर थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी इस कॉमबुक लैपटॉप में विंडोज़ ओपन हुई है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई आईबॉल कॉमबुक लैपटॉप है इसी टाइप का कोई मॉडल, तो आप इस तरीके से उसमें आप विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कुछ स्टेप आपको बस देखने हैं कैसे करना है, और आप एक पेन ड्राइव की मदद से आप खुद अपने लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।